your fields to start use experience and would also get awareness about our legal rights, police assistance available to us, entrepreneurship ideas and various schemes available with various government departments. It is sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal act. This is on the basis of personality of the female. ये लिखा गया है कि हमें मुल्क को कैसे चलाना है. दोस्तों मैंने बोला यहाँ सारे लेडीज ही हैं तो आप बदबू वाली मैडम मुझे आपसे अलग थी. ट्यूशन जाती थी डेढ़ हाथ से उसको एक लड़का तंग कर रहा. लायजन ऑफिसर जे जम्मू एंड कश्मीर 181 वुमेन हेल्पलाइन. अब हमने आपसे मौका मांगा था कि हम यहाँ हमें यहाँ पर इजाजत दी जाए 2 मिनट ताकि हम भी बोले. जो भी लाइव वॉक so that we are able to reduce the infant mortality rate at the same time reduce the maternal mortality rate. कि अगर आप इस किस्म के भी कोई भी सजेशन करती हैं तो एग्रीमेंट के टाइम पर ये लिखा जाना चाहिए कि क्या आपका सोना कितना था जो आपने बेचा और ये जमीन ली, और उसमें अगर आप चाहती हैं कि आपका कोई हिस्सा रहे, आपका एक शेयर रहे, तो ठीक. अगर आप वो डोनेट करती हैं उस टाइम. They talked about that health is the basic fundamental constitutional right of a person. I think this should have been, because this was regarding females, it should have been the first time. Doing very well in terms of taking up of new projects. जो नए projects हमारे यहाँ के boys and girls ले रहे हैं, बहुत ही enthusiasm और बहुत ही अच्छी फरमान है जिसकी वाबस्तगी हमें बचपन से ही अदल से रहा. Many girls in the state. The district is also blessed with dignified women officer like district session judge Budgam, CMO Budgam, district social welfare officer. हमारे डीसी साहब जो हमारे यहाँ पर हैं सैयद सेहरिश असगर, और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, और हमारी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लेडीज हमारे सामने बैठी हैं सब, तो हमारे इमोशनल नहीं है. और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं तो वी हैव टू स्किप स्कूल. So this really stuck with me. जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे एक अपना सारा जो है बचपन और मेरी जितनी, because they are so shameful, they feel so much shame associated with it. They don't get even a medication for it. So it is just a start. Important है. आपका जो self confidence है वो सबसे ज़्यादा important है. साल में एक बार orientation day होता था where they used to talk about this hygiene, menstruation, about relationships and other things. जो भी एरियाज हमारे बड़गाम में हैं हम उनको, हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे आंगनबाड़ीज हों, उनके थ्रू एक्सेसिबिलिटी उनकी ऑलरेडी है. लेकिन आज सवाल ये है कि हम इन इशूज को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं. बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, इवन फैमिलीज कितना इम्पोर्टेंट देती हैं इन इशूज़ को, वो समझने की ज़रूरत है. क्योंकि मैं देखती हूँ बड़ी एजुकेटेड फैमिलीज भी हैं जो कि ऐसे सोशलाइज करती बच्चों को कि वो बड़ी अंडर कॉन्फिडेंट आगे बन जाती है. सो आई रियली वॉन्ट आर फीमेल्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट इन देयर फिजिक, और जिस तरह की भी हैं उनको ये नहीं कि इतनी डाइटिंग करनी है कि एक पर्टिकुलर शेप में आना है या कुछ ऐसे उनको मतलब समझना है कि वो नहीं वो काम कर सकते जो मेल्स कर सकते हैं. वो दीज थिंग्स नीड सम फोकस, सो आर एफर्ट इज टू ब्रिंग दीज थिंग्स इन फोकस.